आज मैं आप लोगों को एक नया रेसिपी बना के दिखाऊंगी। तो ये मुझे लगता है आप लोग कभी ट्राई भी नहीं किया, शायद खाया भी नहीं। नमस्कार, मौसमी की रसोई में आपका स्वागत है। ये जो है ना, ये है चाइनीज कैबेज। ये है चाइनीज कैबेज, तो इसको मैं आज स्टीम करके दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत ही इजी रेसिपी है और गरम गरम चावल के साथ आप खाइए, बहुत अच्छा है। तो एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखिए। तो आज मैंने चाइनीज कैबेज स्टीम स्टाइल चाइनीज कैबेज बना दी। सबसे पहले मैंने चाइनीज कैबेज को एक एक पत्ता ऐसे निकाल लिया, ऐसे करके निकाल के इसको अच्छे से धोया, धो के मैं अभी रखी हूँ। और इसके लिए चाहिए थोड़ा नमक और मस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है। आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा मस्टर्ड सीड जो है, सरसों दाना जो है, वो थोड़ा सा पीस के नमक के साथ और हरी मिर्च के साथ पीस के रख दीजिएगा। 10 मिनट ढक के रखने के बाद फिर इसको यूज़ करना है। तो मैंने ये 2 टीस्पून मैंने सरसों पाउडर लिया है और मैं इसके अंदर एक टीस्पून मैंने लाल मिर्च दिया और ये नमक 1/2 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है। नमक बाद में स्वाद अनुसार दीजिए। और मुझे चाहिए 2 हरी मिर्च और मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले मैंने 2 कप पानी लिया है और कढ़ाई में डाल देती हूँ, गैस ऑन कर देती हूँ। एक एक पत्ता मैंने इसमें दे दी थोड़ा स्टीम के लिए। और हल्का सा नमक इसमें हम दे देंगे, थोड़ा जल्दी नरम हो जाएगा ये पत्ता का लीड हम लगा देंगे। इसको थोड़ा सा, जैसे ही पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसको स्लो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सरसों 2 टीस्पून सरसों लिया था पे पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक और 1/8 टीस्पून लाल मिर्च। आप मिर्च अपने हिसाब से दीजिएगा, बिकॉज सरसों का एक बहुत तीखा इसका जो स्वाद होता है, तीखा होता है, तीखापन आता है इसमें, तो आप उसी हिसाब से सरसों, हम थोड़ा सा कम तीखा खाते हैं तो इसलिए मैंने 2 टीस्पून ही दिया है। आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी दे सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा भिगो के रख देती हूँ, थोड़ा पानी में इसको खोल के हम ढक के इसको रख देंगे। इसको हम ढक के रख देते हैं, कम से कम 10 मिनट तो ढक के आप रखिए। अब इसमें वो काफी बॉयल हो रहा है तो मैं थोड़ा सा पत्ते को उलट देती हूँ। मैंने इसको 10 मिनट्स बॉयल किया है, मैं अभी गैस ऑफ कर देती हूँ। मैं इस छाननी में इस पानी को मैं छान लूंगी, तो आप लोग कैसे भी इसको पानी बस छानना है, इसको पानी से उठाना है। मैं इस चाननी में छान लूंगी। देखिए मैंने इसको छान लिया है और पानी पूरा निकल जाएगा, तो फिर मैं इसको एक बाउल में ले लेती हूँ। अभी बाउल में मैं ले लेती हूँ सारे पत्ते को। ये सरसों जो है ये भी 10 मिनट्स हो गया है तो मैं इसमें ये डाल देती हूँ। ये सारे मैं डाल देती हूँ इसमें। नमक ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। ये जो हरी मिर्च है ये थोड़ा सा इसमें काट के दे देती हूँ। बाद में हम इसमें ले लेंगे, अभी इतना ही दिया मैंने। जिसको जो जिस टाइप का तीखा खाने को पसंद करेगा उसी हिसाब से मिर्च डालेंगे। और अब मैंने इसमें सरसों का तेल जो है ये मैं डाल देती हूँ।
बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, इतना तीखा स्मेल आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है गरम चावल के साथ ना, बहुत फेवरेट है ये मेरा। तो एक बार आप लोग भी बना के देखिए। ये देखिए मैंने कैसे बनाया। सरसों जो है, सरसों जो पाउडर है, नहीं तो आप सरसों पेस्ट जो देखें वो अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत तीखा नहीं खा पाते हैं, तो 2 टीस्पून हमारे लिए सफिशियंट है 4 जन के लिए। हरी मिर्च भी मैं बाद में और खाने के टाइम मैं डालूंगी। बहुत अच्छा स्मेल है इसका, ये जो सरसों और मस्टर्ड ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही जबरदस्त है। ये खाने का जैसे खाएंगे ना, आपको जैसे एडिक्ट हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हर रोज खाने का मन करेगा। आप लोग भी एक बार बना के देखिए। स्टीम चाइनीज का कुछ ये आप ढक के रखिएगा, हाँ, नहीं तो इसका सरसों का जो स्मेल है वो चला जाएगा। तो ऑलवेज इसको ढक के रखिएगा खाने के टाइम, फिर हल्का सा माइक्रोवेव में, नहीं तो ऐसे गर्म चावल के साथ देके आप खाइए। ये चाइनीज कैबेज है, मैं ऐसे करके नीचे दे रही हूँ। ये मिर्च भी दिया है, जिसको चाहिए वो ले रहे। थोड़ा सरसों का तेल ऊपर से और डाल देंगे तो और टेस्टी रहेगा। तैयार है स्टीम चाइनीज कैबेज, खाइए गरम गरम चावल के साथ। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मेरा ये रेसिपी कैसे लगे कमेंट्स पे बताइए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।